तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली कैट इलाके में एक नाबालिग लड़की की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोप लगे हैं। यही नहीं, लड़की के शव को जबरन जलाया भी गया है। पुलिस ने इस मामले में एक पुजारी को हिरासत में लिया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के DCP इंगत प्रसाद सिंह के मुताबिक रात लगभग 10:30 बजे दिल्ली कैट पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद मौत के उसके दाह संस्कार करने के संबंध में एक PCR कॉल मिली और पुराने नंगल गांव में लगभग 200 गांव वाले ने शमशान घाट पर इकट्ठा हुए। शमशान घाट के सामने किराए पर पुराना नंगल 9 साल की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लगभग 5:30 बजे अपनी माँ को बताकर शमशान घाट के वाटर कूलर का ठंडा पानी लेने गई थी। 6 बजे शमशान घाट के पुजारी पंडित राधेश्याम और नाबालिग लड़की माँ को जानने वाले शमशान घाट में बुलाया। लड़की के शव को यह कहते हुए दिखाया कि वाटर कूलर से उसको करंट लगा, लेकिन लड़की की माँ ने यह नोटिस किया कि उसके होंठ नीले पड़े थे और एक साइड का हाथ भी जला हुआ था। यह माँ ने देखा। पुजारी और 2-3 लोगों ने माँ से कहा कि अगर आप PCR कॉल करते हैं तो पुलिस इसका मामला बनाएंगी और पोस्टमार्टम के लड़की के सारे अंग चुरा लेंगी, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार करना बेहतर होगा। लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भीड़ जमा हो गई और फिर PCR कॉल की गई। तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। लड़की की माँ ने अपना बयान दिया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है।